हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू अ न्यू डीआईवाई वीडियो। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मैंने इस डिस्कार्डेड सीमेंट टैंक को एक प्लांटर में कन्वर्ट किया है और साथ ही हम कुछ पॉट पेंटिंग्स भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। तो ये है हमारी सीमेंट टैंक जो काफ़ी दिनों से बस यूं ही पड़ी थी, इसका कोई यूज़ नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसे प्लांटर में कन्वर्ट किया जाए। तो मैंने इसको क्लीन कर लिया और नेक्स्ट मैंने इसके ऊपर वाइट बेस कलर अप्लाई किया है। ये एशियन पेंट का प्रीमियम इमल्शन वाइट बेस पेंट है। अच्छी फिनिशिंग के लिए मैंने डबल कोट अप्लाई कर लिया है। ये वाटर बेस्ड वॉल पेंट है, आप चाहे तो ऑयल बेस्ड पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा बेस कलर कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है और नेक्स्ट हमें लेनी है मास्किंग टेप, और टेप टेक्निक की हेल्प से हम आगे की डिजाइनिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने जिगजैग वे में टेप को चिपका लिया है और उसके बाद मैंने लिया है एक्रेलिक कलर और फोम, और फोम की हेल्प से हम इसमें कलर फिल कर लेंगे इस तरीके से टैप टैप करके। आप इसे ब्रश से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फोम यूज करते हैं तो इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। अपर और लोअर पोर्शन में मैंने ब्लैक कलर यूज किया है। हमारा टेप फिनिश हो चुका था इसलिए मैंने यहाँ इस पेपर को यूज किया है। एंड दैट्स इट, हमारी कलरिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, टेप को रिमूव करना। तो आपको सारे टेप रिमूव कर लेने हैं और कुछ इस तरीके से बना है हमारा डिजाइन। और मैं एक और चीज़ यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि अगर आपका कलर फ्लोई हुआ तो आपका डिज़ाइन खराब हो सकता है और आपका काम बढ़ जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप एक्रेलिक कलर यूज़ कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर वर्निश ज़रूर अप्लाई करें ताकि आपका कलर लॉन्ग टाइम के लिए स्टे कर सके। और अगर आप वर्निश अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप ऑयल बेस्ड कलर यूज़ करें। और नीचे जो टैप लगी थी उसे हमने रिमूव कर दिया है ताकि वाटर ड्रेनेज के लिए होल बन जाए, और साथ ही नीचे पेबल्स भी ऐड कर दिए हैं। अब बस इसके ऊपर हम मिट्टी डालकर प्लांट लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा उड़हुल हिबिस्कस प्लांट लिया है। ये पॉट साइज में बहुत बड़ी है, हमें इसमें बहुत सारी मिट्टी डाली पड़ी। एंड दैट्स इट, तो हमारा प्लांट लग चुका है। अभी इसमें फ्लावर्स नहीं है, अगर इसमें फ्लावर आते हैं तो मैं इसकी पिक्चर इंस्टाग्राम पर जरूर डालूंगी। तो ये थी हमारी स्टोरी कि कैसे हमने एक ट्रैस को रीयूज करके प्लांटर में कन्वर्ट किया। आई नो कि ये कोई ऐसा बहुत अमेजिंग या फिर क्रिएटिव आइडिया नहीं है, बट स्टिल आई थॉट ऑफ शेयरिंग विथ यू ताकि अगर आपके पास भी ऐसा कोई बड़ा कंटेनर है जिसे आप फेंकने की सोच रहे हैं तो आप भी उसे रीयूज कर सकते हैं। तो ये है हमारा बिफोर एंड आफ्टर लुक, आई होप यू विल लाइक इट। और नेक्स्ट हम कुछ पॉट पेंटिंग करेंगे। तो ये एक पुराना सीमेंट पॉट है जो काफी गंदा हो चुका है। तो सबसे पहले मैंने इसको क्लीन करने के लिए एक स्टील स्क्रबर लिया है और उसकी हेल्प से जो भी इसके ऊपर डर्ट थे उसे रिमूव कर लिया है। अब नेक्स्ट मैं इसके ऊपर सेम व्हाइट बेस पेंट अप्लाई कर रही हूँ, एशियन पेंट का प्रीमियम इमल्सन व्हाइट बेस कलर। अगेन मैंने दो कोट अप्लाई किया है अच्छी फिनिशिंग के लिए। और इसके बाद मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, जो पॉट की डिजाइन है ऑलरेडी उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा कलर ऐड कर लिया है। तो फेस्टिव सीजन जस्ट स्टार्ट ही होने वाली है, सभी ने अपने घरों की साफ सफाई भी स्टार्ट कर दी होगी। फेस्टिवल में हम सब अपने घरों को क्लीन करते हैं, चीजों को कलर करते हैं, रेनोवेट करते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज का ये वीडियो शेयर किया है। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। और आप इस फेस्टिव सीजन किस तरीके की DIY मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज का ये छोटा सा DIY वीडियो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और मैं फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे मेकओवर एंड फेस्टिव DIY वीडियोस प्लान कर रही हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। और नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है या फिर और भी लाइफ रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। मेरा इंस्टा हैंडल है चाइनीज़ DIY डेकोर। और अगर आप मेरे वीडियो से इंस्पायर होकर कुछ भी रिक्रिएट करते हैं तो वो भी आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। आजकल मैं यूट्यूब पे सारे कमेंट्स का रिप्लाई के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगर आपके कुछ वीडियो रिलेटेड क्वेरीज हैं तो वो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे जल्द ही एक नई DIY आइडिया के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।